नमस्कार मित्रों, आप सबने दिवाळीनी खूब खूब शुभकामनाओं। मित्रों, दिवाळी एटले अश्वद अमास अने दिवाळीना दिवसने विक्रम संवतनो छेल्लो दिवस गणवामां आवे छे अने दिवाळी पछीना दिवसने गुजरातीओ बेस्तु वर्ष तरीके उजवे छे। दिवाळी उत्सवनो आ छेल्लो भाग 5 जेमां आपणे जाणीशुं दिवाळी विशे संपूर्ण कथा तथा शा माटे दिवाळी उजववामां आवे छे। मित्रों, इतिहासनी जुदी जुदी पौराणिक कथाओ मान्यताओ मुजब दिवाळी पर्व उजववामां आवे छे। तो मित्रों, जो हजु सुधी तमे दिवाळी उत्सवना भाग 1 थी 4 न जया होय तो जोई लेजो, जेनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन में आपेली छे। तो चालो जाणीए दिवाळी उत्सव विशे। मित्रों, पौराणिक कथा मुजब तमे लोकोए रामायण तो जोई जशे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता माता 14 वर्षना वनवास दरमियान लंका नरेश रावण नामना राक्षसे सीता मातानुं अपहरण कर्युं हतुं अने सीता माताने लंकामां लई गयो हतो, जेना परिणामे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमानजी तथा वानर सेना सहित बधाय लंकामां गया अने घणा युद्धो कर्या। बाद आसो सुद दशम एटले के दशहराना दिवसे भगवान श्री रामे रावणनो वध कर्यो हतो अने त्यारबाद लंकामांथी भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता माता 21 दिवसे अयोध्या नगरी पहोंच्या हता अने ते दिवसे आखा अयोध्यामां जाणे खुशीओनो माहोल, वातावरण खुशहुशाल थई गयुं हतुं। अयोध्यावासीओए आखा अयोध्या नगरीने दीवड़ाओथी तथा फूलोथी सजाया, घरे घरे खुशीनो दीवड़ो प्रगटाव्यो अने आखा अयोध्यामां जाणे आनंदनो दिवाळीनो दीवानो उत्सव छवाई गयो अने भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता मातानुं भव्य स्वागत करवामां आव्युं। त्यारथी ज दर वर्षे आ दिवसने दिवाळीना तहेवार तरीके उजवानुं शरू थयुं। आम दर वर्षे आपणे आसवद अमासना दिवसे दिवाळीना एक तहेवार तरीके उजवीए छीए। मित्रों, दिवाळी विशे बीजी पौराणिक कथा समुद्र मंथन साथे जोड़ायेली छे। समुद्र मंथन दरमियान आसवद अमासना दिवसे ज क्षीरसागरमांथी महालक्ष्मी देवी उत्पन्न थया हता अने भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मीजीनो विवाह संपन्न थयो हतो। त्यारथी ज दिवाळीना दिवसे माता लक्ष्मीजीनुं पूजन करवामां आवे छे अने लक्ष्मीजीनी पूजा आराधना साथे दिवाळी तहेवार उजववामां आवे छे। आम लक्ष्मी माता धननी देवी छे, तेथी घरे घरे दीवड़ा प्रगटावी माता लक्ष्मी देवीनुं पूजन करवामां आवे छे अने ते दिवसने दिवाळी उत्सव तरीके मनावामां आवे छे। त्रीजी पौराणिक कथा मुजब एक वक्त नारद मुनि भगवान श्री विष्णुजीना लग्न करावा माटे 16,000 कन्याओं ने लईने पहोंच्या। वैकुंठ पहोंच्या त्यारे भगवान विष्णुजीनी धर्मपत्नी माता लक्ष्मीजीए नारद मुनिने पूछ्यू के मारी शुं भूल छे अने शा माटे तमे आ कन्याओने लईने आव्या। त्यारे नारद मुनिए उत्तर आपता कह्युं, हे माता, आખું વિશ્વ સવારના સમયે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુજીના દર્શન કરી પોતાને સૌભાગ્યવાન માને છે, પરંતુ તમે નિસંતાન છો અને નિસંતાનના સવારે દર્શન કરવા એ અશુભ છે। લક્ષ્મીજીએ નારદ મુનિને તેના માટે નિવારણ વિશે પૂછ્યું તો નારદજીએ કહ્યું, એક મહિનાની અંદર પુત્ર લઈને આવો। માતા લક્ષ્મી આશ્ચર્ય પામ્યા, આ સમસ્યાનું નિવારણ લાવવા માતા લક્ષ્મી कैलास पर्वत पर भगवान शिव अने माता पार्वती पासे पहोंच्या। लक्ष्मीजी बोल्या, मारे एक पुत्र जोईए छे। त्यारे भगवान शिवजीए गणेशजीने दत्तक पुत्र तरीके सौंप्या अने माता लक्ष्मीजी दत्तक पुत्र गणेशजीने लई वैकुंठ पहोंच्या अने त्यां बधा देवी देवताओए दीवड़ाओ प्रगटावी माता लक्ष्मीजी अने पुत्र गणेशजीनुं भव्य स्वागत कर्युं अने त्यारथी ज आ दिवसे એટલે કે આસોવદ અમાસના દિવસે ઘરે ઘરે દીવડા પ્રગટાવી દિવાળીનો ઉત્સવ ખૂબ જ ધૂમધામથી અને ઉત્સાહથી મનાવવામાં આવે છે। મિત્રો, દિવાળીના દિવસે રાત્રે ઘરના આંગણે દીવડા પ્રગટાવવામાં આવે છે તથા બાળકો ફટાકડા ફોડી
रंगबेरंगी आकाश में आतशबाजी रंगबेरंगी घरना द्वार पासे रंगोली करवामां आवे छे। एक बीजा ने मिठाई खवड़ावी वर्षना छेल्ला दिवस ने विदाय आपवामां आवे छे अने त्यार पछीना दिवस ने नवा वर्ष तरीके उजवामां आवे छे जेने आपणे बेस्तु वर्ष कहीए छीए। बेस्ता वर्षना दिवसे तमाम लोको नवा नवा कपड़ा पहेरी एकबीजा ने सगा संबंधीओने तथा मित्रोने नवा वर्षनी शुभकामनाओ पाठवे छे। नवा वर्ष दरमियान ते दिवसे वडीलोना आशीर्वाद लेवामां आवे छे अने नवा वर्षनुं भव्य स्वागत करे छे। मित्रों तो आप सौने दिवाळी तथा बेस्ता वर्षनी खूब खूब शुभकामनाओ। अहींया आपणा आ दिवाळी उत्सवनो छेल्लो भाग पूर्ण थाय छे। मित्रों हजु सुधी जो तमे आ चेनलने सब्सक्राइब न करी होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो ने बाजूमां आपेल बेल आइकन ने पण दबावी देजो जेथी तमने नवी अपडेट मळती रहे। धन्यवाद।